जी अस्सलाम वालेकुम अभी हम जाएंगे एल्फड रोड पे जो कि यूके में पाकिस्तानियों का इलाका है हम उधर जाके आपको दिखाएंगे कि ये इधर इस जश्न को कैसे मनाते हैं इस दिन को कैसे मनाते हैं चलिए हम आपको दिखाते हैं जी अस्सलाम वालेकुम गाइस जैसा कि आपको बताया कि हम एल्फड लेन जा रहे हैं यू के में इंग्लैंड में जो पाकिस्तानियों का एक स्पेसिफ़िक इलाका है उसको अल्फड लेन कहते हैं अभी जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम एल्फ्ट की जानी रवा दवा हैं अब आप देख सकते हैं अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएँ अभी हम एल्फर्ट पहुँचेंगे आपको उधर से सारा जो पाकिस्तानियों की एक खुशी का इजहार है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो उनके हक मारे जा चुके हैं जो हर चीज़ से उनको आउट किया जा रहा है किक आउट किया जा रहा है उनकी खुशी का और उनके दुख का इजहार हम आपको दिखाएंगे उधर बहुत कुछ होगा आप इसका थोड़ा पहले भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पाकिस्तानियों का जज्बा जुनून एक ओवरसीज कंट्रीज में क्या होगा कि वो एक अपने कंट्री से दूर हैं पर देसी लोगों को पता क्या लगता है जो आउट ऑफ कंट्री है वो बहुत ये हैं बहुत चिल मार रहे हैं शुगर है ये चौदह अगस्त एक ऐसा दिन है साल के बाद ये दिन आता है लोग इसका वेट कर रहे होते हैं कि ये दिन आए हम अपना जज्बा जुनून एक किसी तरीके से इजहार करें हम अपने दूसरी कंट्री में कि हमारी कंट्री क्या चीज़ है हम एक पुरमन कौम हैं अभी चलते हैं आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको बातों की शायद अभी समझ ना भी आ रही हो लेकिन जब हम उधर पहुंचेंगे तो आपको आपको वो एक बड़ी फेमस कोटेशन है अगर मैं गलत ना बोल दूं तो लेट योर एक्शन स्पीक मोर एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन वर्ड सॉरी तो जब आप एक दफ़ा ज़ाहरी तौर पे एक चीज़ देखेंगे तो आपको उनके इजहार का यकजहती का एक एहसास होगा कि जो अपने मुल्क से बाहर है उसके लिए उसकी कंट्री की क्या अहमियत है और इस दिन की क्या अहमियत है चलते रहें साथ साथ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा थैंक यू आपका हो सकता है कुछ देर तक के लिए अल्लाह हाफिज जी वालेकुम दोस्तों कैसे उम्मीद है सब हैरियत से होंगे जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ एक क्विक लुक लेते हैं हम एल्फ्ट पहुँच चुके हैं एल्फ्ट लेन जिसका मैंने जिक्र किया था आगे आके देखिए जी हम प्रॉपर उस एरिया में पहुंच चुके हैं जिधर सब लोग इकट्ठे हैं जहां सब आ, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं चौदह अगस्त को माशाल्लाह कुछ लोगों ने पी के फ्लैग्स भी पकड़े हुए हैं नाइस देखकर खुशी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इतनी मोहब्बत इमरान खान के लिए तहरीकि इंसाफ के लिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं ये हमारी आ, आवाम है जो अपनी खुशी और अपनी मोहब्बत और महब वतन होने का इज़हार कर रहे हैं आ, हम लेट हो चुके हैं हमारे आने से पहले केक आ, कट हो चुका है और अभी ये तकरीबन तैयारियों में है यहाँ पे हल्ला गुल्ला होगा आप साथ साथ रहिए हल्लागुल्ला सब मिलके देखेंगे अभी हम इस साइड से कवर करते हैं सब ये भाई हैं जिनकी गाड़ी है जो सारा शुगर लगाया ये लंबे बालों वाले भाई ने लगाया है नाइस सारा इन्होंने एंटरटेनर ऑफ द डी ये हैं एनीवेज़ ये है एल्फर्ड लेन पाकिस्तानी कम्युनिटी एल्फ लेन में मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी की है यहाँ पे चाइना टाउन भी है यूके में इंग्लैंड में सॉरी एक चीज़ साथ साथ क्लियर करता चलूँ कि यूके के अंदर चार कंट्रीज़ हैं चार कंट्रीज इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स एंड नॉर्थ आइलैंड आगे से इंग्लैंड का स्टेट है इंग्लैंड का स्टेट है लंदन साथ साथ ये बताता चलूं ये हमारी भाई बहनें अपनी खुशी का इजहार कैसे कर रही हैं नाइस अल्लाह बहनों आपको सलामत रखे यूके में चार कंट्रीज हैं उनमें से इंग्लैंड के अंदर लंदन है लंदन का कैपिटल लंद सॉरी इट्स माय मिस्टेक इंग्लैंड का कैपिटल लंदन है और लंदन में इल्फर्ड लेन एक इलाका है इसी तरह बाकी इलाके चाइना टाउन वो पा... आ... पाकिस्तानियों का तो नहीं है ज़ाहरी तौर पे वहाँ पे चाइनीस लोग हैं इसी तरह आ... मॉट गेट और समथिंग आर्ट गेट में भी इसी तरह एक अरबियों का इलाका है और डिफरेंट लोगों ने अपने इलाके तकसीम किए हैं बाकी वापस आते हैं इधर लोग पी का झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ लहरा रहे हैं इन लोगों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लोग हैं इनमें में शाऊर आ चुका है कि क्या ठीक है और क्या नहीं वो भी दिन रात मेहनत कर कर के इनको एहसास हो चुका है क्योंकि तब तक इंसान को एहसास नहीं होता जब तक आप मेहनत नहीं करो जब तक आप अपने मुल्क से नहीं निकलो इसमें मेरी वीडियो में किसी भी वीडियो में कोई सियासी बहस नहीं होगी कौन ठीक है कौन गलत है बट थिंग इज़ दैट के जो हक की बात है और जो शाऊर की बात है उसको मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा लोगों का देखते देखते आ, पंडाल बढ़ता जा रहा है रश बढ़ता जा रहा है और ये हैं जी 92 टू न्यू, दुनिया न्यूज़ से कवरेज के लिए आए हैं भाई वो पीछे अपने मलंग भाई अपने माहौल में लगे हुए हैं नाइस उनको कोई परवाह नहीं टी वी में आने की पड़ी हुई है भाई को <laughs> नाइस भाई अगर आप ये वीडियो देखो डोंट माइंड आई एम जस्ट किडिंग माशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा खुशी होती है जब आप आउट ऑफ कंट्री हो और उधर आपको अपने लोग अपना झंडा अपनी पहचान मिलती है बहुत खुशी होती है इस चीज़ की एनीवेज अब देखते हैं आगे साथ साथ चलते हैं इंजॉय करते हैं वो दुनिया न्यूज़ वाले भाई भी परेशान हो गए मैं किधर आ गया हूँ नाइस बट ये लोग इंजॉय कर रहे हैं इट्स गुड लोग कितना लोगों में एक देखिए कितना अपना अपन खुशी ये दिन उनको एक साल के बाद मिलता है उनके चेहरे की खुशी देखिए मुस्कुराहट देखिए हमारी माएँ आई हुई हैं बहनें आई हुई हैं हमारे भाई आए है। हुए हैं देखें सब ने अब काफ़ी लोगों ने पी टी आई के फ्लैग्स होल्ड किए हुए हैं और कुछ लोगों ने अंदर पी टी आई की यानी कि इमरान खान को आ, अपनी शर्ट्स पर टी शर्ट्स पर प्रिंट करवाया हुआ है और हर कोई हर कोई एक अपने माहौल में मस्त है इस खुश खुशी को इंजॉय करने की कोशिश कर रहा है आपको दिखा सकूँ तो ये हैं हमारी बहनें जो कि अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ से मुझे अभी तक किसी और पॉलिटिकल पार्टी का मैं स्पेसिफिक किसी पार्टी को अटैक नहीं करूँगा बट मुझे और किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक फ्लैग क्यों मेरी नजरों से रही गुजरा तो ये हैरान हूँ पाकिस्तान की बहुत मेचर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पर यह है अनोखा अंदाज मेरे भाई का अपनी मोहब्बत का इजहार करने का उन्होंने रोड ही ब्लॉक कर दी है सेंटर में फ्लैग लेके खड़े हो गए ना इसलिए देखिए हमारी फैमिलीज आई हुई हैं इधर इन कंट्रीज़ में फैमिलीज इंजॉय करती हैं अपनी लाइफ को क्योंकि इधर भूख नहीं है इधर लोग कुछ कमा रहे हैं कुछ खर्च कर रहे हैं कुछ सेव कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं फ़न कर रहे हैं अब पाकिस्तान में तो आजकल रेंज रोवर गाड़ी बाहर लेके निकलने से लोग डरते हैं जो फ्यूल की कीमतें हैं एनीस ये देखिए लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं इधर लोग ये नहीं है कि लोगों की सोच बड़ी है छोटी है लोग सोफिस्टिकेटेड वे में अपने आप को आ, रखते हैं और अपना इंजॉय करते हैं अपना बड़ा डिसेंट को अपनी माइंड में रखते हुए ये हमारे भाई ये हमारी बहन हमारे भाई सब हर हर किसी को अगर आप फील करें यह देखें गाड़ी में माशाल्लाह फैमिली है हर कोई कोई किसी को किसी से लेना देना नहीं हर कोई अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है माशाल्लाह, देखिए कितना दिल को सुकून मिलता है आप अपना फ्लैग देख रहे हैं हर जगह पे, अपना अपना अपनापन एक महसूस होता है और ये सिर्फ लंदन की है इसके अलावा ये यानी कि लंदन में एक स्पेसिफिक एरिए वीडियो है अभी बाकी एरियाज़ वो हैं जो कि मैं कवर नहीं कर पाया और कुछ एरियाज़ वो हैं जिनको हम कवर नहीं कर सकते अलाउड अलाउड ही नहीं है बात ये है कि वहाँ पे भी बहुत पाकिस्तान पाकिस्तानी कम्युनिटी की इंग्लैंड में बहुत मेजॉरिटी है और आ, जो आउट ऑफ कंट्री अगर आप देखें यानी इंग्लैंड से तो अमेरिका कनाडा हर कंट्री में पाकिस्तानी सेगजिक्स करते हैं इसी तरह सब जगह एंजॉय हो रहा होगा सलामत रहें सलामत रहें, रहें। पाकिस्तानियों सलामत रहें दुनिया न्यूज़ के एंकर वो हमारी बहन ने भाई को आगे किया चले आप इंटरव्यू दें नाइस आई लाइक इट आप भी टीवी पे आएंगे आप भी इंटरव्यू दें सलामत रहें बहन सलामत रहें पाकिस्तानी फ्लैग पाकिस्तानी फ्लैग पाकिस्तानी फ्लैग आपके अपने लोग आपकी अपनी चाहत अपनी मोहब्बत जहां आप सारा दिन इंग्लिश लोगों में रहते हो उस वक़्त जब आप अपने लोग देखते हैं या देखते हो तो आपको एक समटाइम्स समटाइम्स दिल करता है आप रो जब आप अपने लोगों से मिलते हो इधर एक खुशी खुशी वाला रोना होता दुख वाला रोना नहीं होता ये 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 अस्मा हावर हवाजा अस्मा वेयर आर यू ओ माय गॉड अस्मा हावर हवाजा शी इज फ्रॉम सियालकोट शी इज फेमस पर्सनालिटी ऑफ सियालकोट शी इज फूड रिव्यूअर ब्लॉगर एज वेल asma hawar hawaja how, how are you and where are you like how are you here so she's happy to see me here she's excited i can i can i, see I can see her excitement head. look at her like asma hawar hawaja i'm really happy to see you here oh my god you're wearing flags nice asma hawar hawaja is with her family She's from Sialkot and she's uh, my good friend, like blogger friend. And uh, let's see. Dekheng kaisa dunya. Kisi ne sach kaha tha goal. out of country. She's uh, from my hometown. We used to do uh, food reviews, blogging together. and uh, we had same gathering group and community you know the blogging community so कहाँ पे जा कर लंदन में जा वो तकरीबन तो दो महीने से असम आ जाए इधर लंदन में जा मुलाकात हुई है वो भी अपनी ही कम्युनिटी में सो so, बहुत खुशी हुई मिलकर इधर बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे आगे मुलाकात हुई है जिनको मैं वीडियो में नहीं ले सका ये लेफ्ट साइड पे हमारे स्नैन भाई हैं ये भी यूट्यूबर है हुसैन हुसनैन रजा सो so, यह भी कवर कर रहे हैं ये देखिए इसको पता नहीं क्या बोलते हैं बाजा बोलते हैं तोता बोलते हैं वाट पाकिस्तान में इसके बहुत नाम हैं तोता बाज़ा, बाजा पीपनी वाट ये अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं इससे और अलहमद लामद इस पूरी कम्यूनिटी में आई वॉज द वन यूट्यूबर एंड वन व्लॉगर जिसने ऐसा कवर किया आपको कहीं और पे इंशाल्लाह ऐसी कवरेज नहीं मिलेगी आप इस चीज़ का लाइक मेरे पास लफ्ज़ नहीं है हाउ टू से आप इस चीज़ का हिसाब इधर से लगा सकते हैं लाइक के मुझे और कोई भाई उधर व्लॉगिंग करते इस तरह इस पीक लेवल पे इस पेशन के साथ नज़र नहीं आ रही जिस तरह मैं हूँ ज़ाहरी तौर पे मैं अपनी अपनी मोहब्बत अपनी महब वतनी का इज़हार करना चाह रहा हूँ यह बताकर अदरवाइज़ यूट्यूब पर तो बहुत है बट बत ये बताकर कि मैं जिस पैशन के साथ अपनी कंट्री को अपनी आ, प्रेजेंट लाइक like, अपनी कंट्री को प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपने लोगों को प्रेजेंट करना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना चाहता हूँ हम लोग देखिए हम लोग अपनी इजहार कर रहे हैं अपनी मोहब्बत का अपनी कंट्री से लेकिन हम पीसफुल वे में कर रहे हैं हम लोगों को इधर से गाड़ियों को गुजरने का रास्ता भी दे चुके हैं हम एक दूसरे को टीस भी नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्यूनिटी एक बहुत पीसफुल कम्यूनिटी है लोगों का लोगों ने दुनिया में पता नहीं इसका कैसा इमेज बनाया बट आई आई डू बिलीव पाकिस्तानी कम्यूनिटी एंड आवर पीपल एंड आवर पीस मेकरस एवरी वन एवरी वन वी आई प्रजेंट दैम एंड आई स्पीक्स आई स्पीक ऑन दे बिहाफ we are very peaceful community we want peace around the world so we just want to change the point of view of the people in the world regarding us so nice he's touching the flag to his car just just to show his love for the country nice anyways welcome एवरीवन वेलकम हियर गाइस के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो सॉरी इंस्टाग्राम पे फॉलो होता है इधर उधर तो सब्सक्राइब होता है मेरे इंस्टा इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो एंड यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए थैंक यू अभी ऐसी और बहुत ब्लाग्स आपको मिलेंगी अब मैं इधर कम्युनिटी में इन हो चुका हूँ आपको इन फ्यूचर ऐसी बहुत व्लॉग्स मिलने वाली हैं मैं तो इधर के हर एक स्टेप की व्लॉग अपलोड करूँगा ये वीडियो मैं दो से तीन दफ़ा अपलोड कर चुका हूँ लेकिन कॉपीराइट क्लेम्स की वजह से मैं इसको डिलीट भी कर चुका हूँ अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने वॉइस ओवर में कर रहा हूँ पीछे से वॉइस मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा दैट्स वे मुझे वो वॉइसिस रिमूव करनी पड़ी जो रियल वॉइसिस थी एंड आई एम हेअ विद द वॉइस ओवर ये हमारे भाई किसी ने हाथ पर रिस्ट बैंड पहना हुआ है पीटीआई का किसी ने फ्लैग होल्ड किए हुए हुआ है किसी ने पीटीआई की शर्ट पहनी हुई है किसी ने गाड़ी पे उसका फ्लैग लगाया हुआ है नाइस ये आ, मैं कोई ये, आ, एंटी पीटीआई एंटी नून लीग एंटी पीपल पार्टी नहीं हूँ द थिंग इज दैट बीइंग न्यूट्रल मैंने अभी तक आपको मैं सब कुछ कवर भी कर रहा हूँ मैंने पाकिस्तान के साथ अगर किसी का फ्लैग देखा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मैं अभी तक और कोई आ, किसी भी पार्टी का किसी भी माइनर या मेजर किसी भी पार्टी का मैं फ्लैग नहीं देख पाया सो so, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेरिस्म भी देख चुका हूँ ओ मई गॉड इट्स टू लेट इट्स फोर एम फाइव एम ऑफ द नाइट यू नो

ने तहरीक इंसाफ को नून लीग के लोग भी इधर होंगे काफ़ी काफ़ी लोग होंगे लोग यानी कि वो अपनी मोहब्बत का शायद इजहार नहीं कर पाए या कर नहीं पा रहे बट यह कि नून लीग के चाहने वाले भी बहुत होंगे वो भी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है मैं मानता हूँ इस बात को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते ये हमारे भाई अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए डाइस अगर मैं दिखा सकूं और आप देख सकें तो आवाम का रश बढ़ता जा रहा है आवाम बढ़ते जा रहे हैं जिस जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है आवाम बढ़ते जा रहे हैं अब ये वही बात हो गई मुझे एक बात याद आ गई वो क्या था जितना बारिश आता है उतना पानी आता है अरे वैसे सॉरी साथ, साथ, साथ बातें याद आ जाती हैं so the main purpose of this vlog is to just entertain to you guys so i request i request to everyone don't get hurt or upset from my any single word i love everyone i love non league people i love people parties people i love supporter of any party I, it doesn't matter so i love everyone I'm not neglecting any party or any anyone. I'm just supporting everyone. I just want to entertain everyone. You know. So let's watch this vlog till end and together. <laughs> म्यूजिक पता नहीं मैंने सही से बोला भी है कि नहीं अच्छा ये जो भाई ब्लैक शलवार में इसमें है मुझे इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी थी येस हीज हीज लुकिंग सो नाइस एंड द सोफर आई थिंक हीज पठान इफ़ यू वॉच म वीडियो ब्रदर डू मैसेज मी ऑन Instagram I have many options for you like something better अब मैं दो मिनट के लिए चुप कर जाता हूँ ये ना आप लोग के कितना बोलता है <laughs> आप भी देखते चले मैं भी देखता हूँ जहाँ पे मुझे जरूरत हुई मैसूस मंदिर जरूर इंटरप्ट करूंगा जाने से पहले एक चीज बता दू आवाम का आप देख सकते हैं बढ़ता जा रहा है ये पाकिस्तानियों की मोहब्बत भी पाकिस्तानियों और ये मोबाइल आगे करके तंग कर दिया ये हुनैन भाई ने वेरी बैड्स ही सो यहां होती है मेरी एंट्री नाइस nice. Saklan Heather in white t shirt. Can you see me? Oh my god, I'm on the floor. So, guys, you have to do wait. Oh, nice victory from Saklan Heather. Nice. Uh, you have to. Now I think so. I can't stop. <laughs> I'm on the floor. So, uh, you're gonna see the Bangra of Saklan Heather. So, you guys. Uh, Remain constant, stay here, keep watching. You're gonna see now. See. I'm I'm just uh you can say building up myself. I'm just pumping up myself to cover the floor with the Bhangra. So now where am I? Ah, i went there. I'm just asking him to put any Bangra song. फ्राम अबरार उलह अबरार उलह भाई इनकी इधर एक पिक्चर भी एड करते हैं अबराराई के साथ भाई की जितनी तारीफ की जा सके कम है ही सो नाइस सो डाउन टू अर्थ पर्सन सो नाउ गोना टॉक अबाउट सखलैन हैदर हुई इज ऑन द फ्लोर हुई जस्ट गोना प्ले द सॉन्ग फॉर हेम लेट से आई नो मेरी भी में कोई बोर तो नहीं हो सकता सो एक ही बात कहूँगा कि देखते रहिए कीप वॉचिंग लास्ट तक देखिए आपको मज़ा आएगा और मेरी अपनी भरपूर कोशिश है कि ये मेरी पहली व्लॉग है और इसमें मैं कवर करूँ सब कुछ और कोई गलती कोई मिस्टेक और अपने सब बहन भाई सब तमाम दोस्त सब कोलीग सबको सब को, लीग, सब को से फहर महसूस कर रहा हूँ आप सब दोस्त सब व्यूअर्स आप सब मिल के मुझे एक दिन सब के लिए से फ़हर बनाएंगे ऐसी वॉग्स मेरी बात ही रहेंगी इन और अभी मेरा गाना लिस्ट में आ चुका है नेक्स्ट मेरा गाना प्ले किया जाएगा लाइक like, मेरी डिमांड कह सकते हैं आप आई आस्ट हिम टू एनी भंगड़ा सॉन्ग सो आई एम ऑन द फ्लोर ओ माई गॉड माई गॉड लिटरली मैं आपको एक बात पहले बता दू मेरा भंगड़ा बहुत फनी है इट गोना मेक यू लव सो सॉरी कीप कंट्रोल ऑन यूर लव अदरवाइज जिनो वेदर वेदर बहुत अच्छा है इधर आई लव तो द वेदर बारह महीनों में से दस महीने तो इधर वेदर वैसे ही बहुत मजे का होता है अनिवेश वेदर भी मजे का मौसम वक्त भी मजे का वेदर भी मजे का मौसम भी मजे का नाइस एनीवेज लेट्स सी एवरीवन हैव टू सपोर्ट राइट भाई आपका क्या घूम के राइट साइड वाले भाई अरे बच्चे आपका क्या घूम गया है बच्चू इधर मिल गया ओके जी 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 तो यहाँ पर तो रश बढ़ता जा रहा है अच्छा देखिए गाइस मैं पहली बात आपको चले अब आप तो व्लाग वैसे भी शायद आता मन वाला है आठ नौ मिनट करेंगे एक बात मैं आपका साथ साथ अंदर क्लियर करता चलूँ मैं बहुत लो, जो व्लागर्स हैं उनकी तरह फेक होकर व्लॉगिंग नहीं करूँगा मैं बहुत रियल मुझे i got my english all right if i was willing to speak in english so i can And. Uh, but i don't uh, want to do this commentary in english because uh, my mother tongue is urdu so that's why i'm supporting urdu language otherwise uh, i have no problem with English language, all right. People think English language is very big thing, but it's not big thing for me because English language is just a way to communicate. So it's not a fashion, it's not a trend. If you are speaking in English, so let's just make it com way of communication, not a trend, not not to degrade anyone. All right. So I don't have any problem while speaking English i can speak in english as well like i can uh, do commentary in english but uh, what i want to do i want to uh, cover maximum people so i can cover maximum people maximum uh, like viewers so i can generate more traffic through my language because uh, the event i'm covering it's regarding my country it's regarding my community it's regarding pakistani community so i'm for sure i'm gonna यूज़ उर्दू लैंग्वेज बिकॉज माई पीपल आर उर्दू उर्दू स्पीकर एंड आई एम फ्रॉम द उर्दू लैंग्वेज एज वेल सो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी मैं इंग्लिश भी बोलूँगा मैं पंजाबी भी बोलांगा मैं उर्दू भी बोलूँगा मुझे मेरी ब्लॉग्स में कुछ फेक नहीं होगा लाइक like, कैमरे के पीछे वो तेरा किया वन यू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू आर like, hey, hey, right. you हाउ यू डूंगाउ यू डूइंग इवेंट मेरे में ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है मैं जो रियल में हूँ मैं वो ही रहूँगा और बहुत कुछ आपने आपको देखने को मिलेगा आई विल बी द वन हु विल बी द रियल विद द अनस्क्रिप्टिड एंड अनप्लैंड स्क्रिप्ट राइट आई विल नॉट बी Planning or और uh, planning before or I will not be writing the scripts for the, my vlogs. I will be very real. रियल मैं real रहूँगा ताकि मेरे लोग मेरे viewers आप मुझे मुहब्बत कर सकें मेरी vlogs देख सकें और real में entertain हो सकें मेरी सबको एक इसी वीडियो के थ्रू एक पैगाम है इंग्लिश को जस्ट एक कम्युनिकेशन वे ही रहने दें इसको एक बैरियर मत बनाइए इसको खुद पर हैवी मत कीजिए टेंसीज सेंटेंसीज इस चीज़ को खुद पे बिल्कुल भी हैवी मत कीजिए कि मैं इंग्लिश ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा यहाँ पे इत, इतने लोग हैं जो कि जिनको आप ब्रिटिश कहते हैं गोरा कहते हैं वो भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं सो जस्ट आई रिक्वेस्ट डोंट गो भेंड दिस इशू The way how anyone is speaking English, even I don't have any problem. I'm I'm from Urdu country, right? So, if I, an, uh, if I make any mistake, see, see, I just uh, spoken mix, I mix like we are not used to speak English. So, if I may make any mistake, uh, so just ignore it. And uh, I love you, people and where is my bangra i think so i passed my bangra i i think let me just have a look oh my god so i thought i just passed my bangra but it's coming now so we are going back to bangra just a moment meanwhile just watch this and very uh, succulent header Saklan Heather, come on the floor. We are waiting for you, man. Ajo, Baji, Ajo. Ajo, Ajo, ke Ajo, do. Oh my god. Saklan Heather is here. Oh my god. This is a very quick bangra. Oh my god. Oh my god. I look nice. Oh my god. <laughs> oh my god. Oh my god.

जिसकी वजह से आप नीचे कमेंट्स करो कि यार ये क्या बोल रहे हो ये है वो टर्न पटरन सो कम ऑन यार कम्युनिकेशन पे ना जाओ अब कंटेंट पे जाओ अगले की मेहनत पे जाओ सो so, अगर मुझे कोई मुझे ल, मुझे पता है बहुत करने वाले करने वाले आएंगे इस ब्लॉग के बाद सो लिटरली बिलीव मी इट विल नॉट अफेक्ट मी एंड बस पीछे दो से चार मिनट की ब्लॉग और बनाएंगे और फिर अल्लाह हाफिज़ कहेंगे आज के लिए और अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कहेंगे और तब तक दो तीन मिनट में कुछ पैगाम है जो मैं अपनी हर व्लॉग के बाद आप तक डिलीवर करूँगा जो जो माइंड में मेरे आएगा वो मैं करूँगा पॉजिटिव लाइक यू कैन से पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे हम किसी को डिग्रेड करना छोड़ दें किसी को नीचे दिखाना छोड़ दें किसी को किसी को भी किसी से हसद करना छोड़ दें बुरी नज़रें छोड़ दें बिलीव मी अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको नवाजे, तो अल्लाह से दुआ कीजिए मेहनत कीजिए अल्लाह आपको उससे ज़्यादा नवाजेगा लेकिन हसद करके अपना बेड़ा गर्क मच कीजिए और सपोर्ट तो ज़रूर कीजिए किसी को अगर कोई एफर्ट कर रहा है अब मैंने तीस मिनट की आधे घंटे की कि एफ़र्ट किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट इसको एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा सब कुछ कीजिएगा इस व्लाग को शेयर ज़रूर कीजिएगा मुझे टिकटॉक इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा सिक्लैन अंडर स्कोर हैदर अंडर स्कोर दोनों प्लेटफॉर्म्स पे मुझे फॉलो कीजिएगा मजीद व्लाग्स अपलोड करता रहूँगा अपने ही वॉइस नोवर में कुछ रियल वॉइसिस में जिनमें कॉपी का इशू नहीं होगा सब हम सब कुछ करेंगे हम लोग इंजॉय करेंगे हम फन करेंगे मेरी एक कम्युनिटी होगी अपने व्यूअर्स की अपनी फैमिली मेरी इधर होगी हम सब एंजॉय करेंगे मेरा जो कॉन्टेंट है बहुत फैमिली कॉन्टेंट होगा मेरे कॉन्टेंट में कुछ चीपनेस नहीं होगी बिकॉज मेरा कॉन्टेंट कॉन्टेंट uh, की जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो किड्स एंड फैमिलीज हैं तो मेरा जो अनिशियल और प्राइम फोकस होगा वो मेरे कॉन्टेंट पर ही होगा कि मेरा कॉन्टेंट डिसेंट हो आई विल नेवर लेट यू गाइज फील डाउन आई विल बी वेरी ऑनस्ट एंड सिंसियर विद माई कॉन्टेंट एंड विद यू पीपल आई लव यू एंड आई विल कीप लिंग यू इट एंड my vlog इज़ अबाउट टू एंड यहाँ पे अब हम अल्लाह हाफिज़ कहेंगे और अल्लाह हाफिज़ से पहले हम एक और स्टेप ऐड करते हैं सो so, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लाग फॉर टिल एंड माई अपकमिंग व्लॉज डिपेंडिंग ऑन योर सब्सक्रिप्शन काइंडली डू सब्सक्राइब मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिक टॉक तो गाय इसी अपने पन के साथ या रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा और वीडियो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा जजाक ला लाला हाफ